दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड से लिया हार का बदला, कर दिया चारों खाने चित। भारत की शेर के सामने आधा दिन भी नहीं टिके इंग्लैंड की टीम, रोते रोते ड्रेसिंग रूम पहुंची। रोहित ने ठान लिया था अगले मैच में इंग्लैंड का तोड़ने की घमंड, कर देंगे चकनाचूर। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। विशाखापट्टनम में हुई इस भिड़ंत में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया और टीम को शानदार जीत दिलाई। तो उस जीत कर पहले बल्लेबाजी के लिए आई टीम इंडिया ने पहली पारी में 396 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड सिर्फ 253 ही बना सकी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए और 399 रनों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया, लेकिन इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 255 रन ही बना पाई और 106 रनों से दूसरा टेस्ट मैच हार गई। विशाखापट्टनम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, तो उस जीत कर पहले बल्लेबाजी के लिए आई टीम इंडिया ने पहली पारी में 396 रन बनाए। इस स्कोर में मुख्य योगदान यशस्वी जायसवाल का रहा, जिन्होंने अकेले 209 रनों की पारी खेली। 19 चौके और 7 छक्के जड़ते हुए उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा। शुभमन गिल ने 34 रन, रजत पाटीदार ने 32 रन, रोहित शर्मा ने 14 रन, केएस भरत ने 17 रन और अश्विन ने 20 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन, शोएब बशीर और रिहान अहमद ने 3-3 विकेट लिए। अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड की टीम 253 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जैक क्रॉली और बेन स्टोक्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जैक क्रॉली ने 76 रन और बेन स्टोक्स ने 47 रन बनाए। इस दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल बन गए, उन्होंने 6 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। भारत की दूसरी पारी में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए शुभमन गिल ने शतक जड़ टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी थी। उन्होंने 147 गेंदों में 104 रन बनाए थे। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने टेस्ट में 12 पारियों के बाद शतक लगाया था। यशस्वी जायसवाल ने 17 रन, रोहित शर्मा ने 13 रन, अय्यर ने 29 रन, अक्षर पटेल ने 45 रन। इस बल्लेबाजी के बाद भारत ने दूसरी पारी में 255 रन बना दिए और 398 रनों की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड की टीम 292 रन ही बना सकी, जिसके चलते उसको 106 रनों की हार झेलनी पड़ी। जैक क्रॉली ने 73 रनों की अशतकीय पारी जरूर खेली और टीम के स्कोर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। बेन डेकेट ने 28 रन, रिहान अहमद ने 23 रन, ओली पॉप ने भी 23 रन, जो रूट 16 रन, जॉनी बेयर 26 रन और बेन स्टोक्स ने 11 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट चटकाए। मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के हाथ 1-1 विकेट लगी। वहीं मैच जीत जाने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में काफी फायदा हुआ है। टीम इंडिया अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।